और अब बात कर लेते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। इंतजार खत्म है और कैबिनेट विस्तार जल्दी होने वाला है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस आलाकमान का संदेश लेकर दिल्ली से संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज शाम राजधानी जयपुर आ रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के आने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि ये लोग आज रात सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में राजनीतिक मुद्दे और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि मुलाकात से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जुलाई महीने में ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर दी जाएगी और सूत्रों के मुताबिक आलाकमान के फॉर्मूले पर गहलोत और पायलट दोनों सहमत हो चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट के 4 या 5 विधायकों को जगह मिल सकती है। और ये भी खबर है कि हेमाराम चौधरी ने मंत्री बनने से इनकार कर दिया है और उसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ सुशांत पारिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत पारिक, चाहूंगे विस्तार से जानकारी दें इस पूरी खबर को लेकर। आप देखिए, ये तो तय है कि अब जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से, पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो डेवलपमेंट हो रहा है लगातार, और अशोक गहलोत सचिन पायलट कैंप के बीच जो सहमति बनी है अब उसको अमली जामा पहनाने की कवायद है। और यही वजह है कि आज वेणुगोपाल और अजय माकन का जयपुर आने का कार्यक्रम है। पहले खबर ये थी कि वो दोपहर 12:30 बजे की फ्लाइट से आएंगे, लेकिन संभवतः कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुआ और सड़क मार्ग से देर शाम या 8 या 9 बजे के आसपास उनका जयपुर आने का कार्यक्रम है। अभी आधिकारिक कार्यक्रम उनका जारी नहीं हुआ है। अगर वो आज आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे फिर वो डिनर पे अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगे और लंबी चर्चा तो पहले हो चुकी है। अब जो फाइनलाइज करना है चीजों को कि मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल जो हो उसका स्वरूप क्या रहे, कितने जो मंत्री हैं वो पायलट से बनाए जाएं, गहलोत कैंप के जो लोग हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए, कितने जो अभी जगह खाली हैं, 9 जगह खाली है उनमें से कितने रखे जाएं। जो जानकारी मिल रही है कि 28 सदस्य मंत्रिमंडल जो ये हो सकता है, यानी 2 जगह फिर भी खाली रखी जाएगी। कितने मंत्रियों की छुट्टी होगी, बसपा से जो कांग्रेस में आए हैं उनमें से शायद 2 लोगों को एडजस्ट किया जाए, निर्दलीय विधायकों में भी 1 विधायक का नाम जो है चर्चाओं में है। लेकिन तमाम डिस्कशन के बावजूद अभी भी एक बड़ी चुनौती होगी अशोक गहलोत के लिए कि जो सियासी बगावत के समय उनके साथ खड़े रहे थे, जो विधायक 100 से ज्यादा ये आंकड़ा था, ऐसे विधायकों को वो कैसे एडजस्ट करें, उसके लिए अलग से फॉर्मूले पर काम चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राजस्थान में संसदीय सचिव बनाने की बात है। जो बड़े निगम बोर्ड हैं उनमें विधायकों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ साथ जिला अध्यक्षों में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जहां पर जिला अध्यक्षों में विधायकों के नाम को कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन तमाम इंतजार कवायद और कयासों के बाद अब लग रहा है कि राजस्थान में पंजाब के बाद अब यहाँ भी सियासी जो मसले हैं उनका समाधान होगा। वेणुगोपाल और अजय माकन अगर आते हैं आज शाम को तो ये मान के चलिए कि 27, 28, 29 को कभी भी राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। तारीख का ऐलान नहीं है, लेकिन पूरी जो छाप रहने वाली है इस मंत्रिमंडल विस्तार पर वो सीएम अशोक गहलोत की रहेगी। वो मंत्रिमंडल में किन नामों को लिया जाना है, खासतौर पर सचिन पायलट कैंप से भी किन नामों को लिया जाना है, ये भी अशोक गहलोत ही तय करेंगे। अभी इंतजार करना होगा कि अजय माकन और वेणुगोपाल जब आते हैं तो सीएम के साथ क्या डिस्कशन होता है और इसी बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार फेरबदल की तारीखों का ऐलान होगा। एक बड़ी चर्चा जो नई चल पड़ी है राजस्थान में कि क्या अशोक गहलोत कोई चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं, क्या तमाम जो चेहरे होंगे वो बड़ा फेरबदल करते हुए तमाम नए चेहरों को वो शामिल करें और ये संदेश देने की कोशिश करें कि कुछ मंत्रियों को लेकर जो पब्लिक में विधायकों में नाराजगी है कामकाज को लेकर उसको पूरी तरीके से दूर कर दिया जाए, नए चेहरे हों, 2.5 साल का जो वक्त है नए टीम के साथ अशोक गहलोत जाएं। और चूंकि पूरी कोशिश है अशोक गहलोत की कि राजस्थान में सरकार रिपीट हो, जो उनका एक बड़ा सपना भी है, उस दिशा में वो काम करें, तो कई चौंकाने वाले फैसले भी हमें इस मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल में देखने को मिल सकते हैं। सुशांत पारिक, देखिए रमेश मीणा का नाम भी सामने आ रहा है साफ तौर पर कि उनको लेकर सीएम अशोक गहलोत जो है सहमत नहीं है शामिल करने को लेकर, तो इसको लेकर कोई जानकारी? और दूसरी बात, आपने कही कि कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, ऐसे कौन कौन से चेहरे? हालांकि अंदर खाने से कोई जानकारी मिल रही है, ऐसे कितने चेहरे हो सकते हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है?
सुशांत पारिक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? संपर्क करने की फिर से कोशिश करेंगे। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके से ब्यूरो चीफ सुशांत पारिक ने महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि आज साफ तौर पर जो है अजय माकन और केसी वेणुगोपाल राजधानी जयपुर आ रहे हैं और एक बड़ी संभावना यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है।